Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. सुंदर वन के जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। मुश्किल समय में सभी एक दूसरे के काम आते। चीनू चिड़िया बड़े गुब्बारे में दूसरे पक्षियों को सैर करवाया करती थी और उसी से उसके घर की गुजर बसर हो रही थी। वो इतना ही कमा लेती जितने में मुश्किल से उसका गुजारा हो जाता। जंगल के पक्षियों के सभी बच्चे उसके गैसी गुब्बारे में बैठकर आसमान की सैर करना पसंद करते थे। एक दिन गोरी कव्वी के बेटे ने जिद लगा रखी थी। अरे माँ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी आसमान की सैर के लिए जाना है, मुझे पैसे दो ना, वहाँ चीनू आंटी का गुब्बारा उड़ने ही वाला होगा। अरे रामू बेटा, क्यों तंग कर रहे हो मुझे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे नहीं माँ, इतने पैसे नहीं चाहिए मुझे, बस 5 रुपए की ही तो टिकट है, प्लीज माँ दे दो ना 5 रुपए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये लो 5 रुपए और मेरी जान छोड़ो। और इस चीनू की बच्ची से तो मैं खुद बात करती हूँ, आखिर क्यों हमारे बच्चों को खराब कर रही है। गोरी ने तंग आकर रामू को 5 रुपए दे दिए और खुद जंगल के दूसरे पक्षियों के पास चली गई। वहाँ सारे पक्षी मीनू मासी की छत पर बैठे गप्पे लगा रहे थे। गोरी बड़े गुस्से में उनके पास जा बैठी। अरे आओ आओ गोरी, तुम भी आ जाओ, हम सब यहाँ बातें कर रहे हैं। ये तोता है ना, ये बता रहा है इस साल जंगल में बहुत तेज बारिशें आने वाली हैं, इसलिए हमें समय रहते ही अपने घरों को मजबूत कर लेना चाहिए। क्या तोते भैया, क्या ये सच है? इसका मतलब हमें कल से ही अपने घरों को मजबूत करने की फिक्र करनी चाहिए। मैं तो कल ही जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने चली जाऊंगी। और नहीं तो क्या भाई, मैं अब झूठ तो नहीं बोलूंगा ना, कल ही बादल भैया से मिलकर आया हूँ, वो बता रहा था कि इस बार बारिशें पहले की निस्बत ज्यादा होंगी और जंगल में बाढ़ का पानी भी आ सकता है। अरे गोरी, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही, थोड़े गुस्से में लग रही हो, क्या बात है? अरे मीनू मासी, गुस्सा तो आएगा ना, आप इस चीनू की बच्ची को समझा लीजिए, उसके गैसी गुब्बारे की वजह से हमारे बच्चों ने हमारी नाक में दम कर रखा है, हर रोज 5 रुपए निकलवा कर ले जाते हैं, इसका तो अच्छा कारोबार चल रहा है, परंतु हमारे तो रोज के रोज पैसे निकल जाते हैं ना, आप हमारे जंगल की बड़ी हैं, आप उससे बात करें, या तो वो अपना गुब्बारा लेकर यहाँ से दूर चली जाए, या फिर हमारे बच्चों को झूला मत दिया करे। आय हाय गोरी, कैसी बातें कर रही हो, वो बेचारी गरीब अपने गुब्बारे से ही तो पैसे कमाती है, वो ना सिर्फ अपना गुजारा करती है बल्कि हमारे बच्चों को भी तो खुश करती है ना। जंगल के सारे बच्चे उसके गुब्बारे पर झूला लेकर बहुत खुश होते हैं, मैं काहे को उसको मना कर दूं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। तुम अगर नहीं चाहती कि तुम्हारा रामू इस गुब्बारे पर ना बैठे तो तुम उसको समझाओ ना, चीनू अपना कारोबार क्यों बंद करे। मीनू मासी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गोरी बहन, तुम्हें थोड़ा धीरज रखना होगा, कल को अगर कोई तुमसे कहे कि तुम अपना काम बंद कर दो तो क्या तुम करोगी? नहीं करोगी ना। गोरी को उनकी बातें सुनकर खामोश होना पड़ा, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं थी। अभी वो सब वहीं बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ चीनू चिड़िया भी आ गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम तो ठीक हैं, तुम बताओ, आ गई,
अपना काम बंद करके, शाम हो गई है ना? जी मासी, मैं तो आ गई। कसम से थक जाती हूँ शाम तक, लेकिन बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये मेरा राजू है ना, अब तो इसको भी काम का तरीका आ गया है। हाय हाय चीनू बहन, ये क्या तुम छोटे से बच्चे को अपने साथ काम पे लगा रही हो? मैं तो खुद तुमसे बात करने वाली थी, भला ये भी कोई काम हुआ? कोई ढंग का काम करो, इस काम में तुम्हें क्या मिल जाता होगा? अरे गोरी बहन, कुछ ना पूछो, काम तो बहुत मजे का है मेरा। भले ही इस काम से कमाई थोड़ी कम होती है, परंतु हमारे जंगल के बच्चे तो खुश हो जाते हैं ना। भाई मुझे तो अपना काम बहुत पसंद है। मम्मी मम्मी चलो ना, मुझे भूख लगी है, घर चलकर भोजन खाते हैं। फिर चीनू राजू को लेकर अपने घर चली जाती है। बाकी सभी पक्षी भी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह सभी ने अपने अपने घरों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया था। चीनू भी अपने घर की मुरम्मत कर रही थी। उसका बेटा राजू बहुत समझदार था, वो उसके साथ बराबर काम करवा रहा था। राजू अपनी मम्मी को लकड़ियां ला ला कर दे रहा था और चीनू मुरम्मत कर रही थी। घर की मुरम्मत करने के बाद चीनू बहुत थक चुकी थी, वो लेटते ही सो गई। अगली सुबह बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि उसने जल थल मचा रखा था। अरे ये बारिश आ भी गई, हाय अभी तो मैंने भोजन भी इकट्ठा नहीं किया, मुझे क्या पता था कि ये बारिश इतनी जल्दी आ जाएगी। आज तो मैंने अगले कुछ दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करके देने के लिए जाना था, अब मैं क्या करूं? राजू को कहाँ से खिलाऊंगी? अचानक उसके जहन में ख्याल आता है और वो मीनू मासी के घर चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँची तो रानो और तोता पहले से वहाँ मौजूद थे। अरे मीनू मासी, बारिश तो बड़ी जल्दी आ गई, मैंने तो आज भोजन इकट्ठा करने के लिए जाना था, प्लीज कुछ अनाज रखा है तो दे दो। हाँ चीनो, तुम यहाँ रुको, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। अरे चीनू बहन, मैंने भी बारिश के दिनों के लिए काफी भोजन इकट्ठा कर रखा है, मैं भी तुम्हें कुछ भोजन ला देती हूँ, तुम वो भी ले जाओ। कुछ भोजन मैं भी तुम्हें दे देता हूँ। और इस तरह से चीनू के लिए काफी दिनों का भोजन मिल गया था। चीनू ने उन सबको शुक्रिया कहा और भोजन लेकर अपने घर वापिस आ गई। चीनू ने उस भोजन से खिचड़ी बनाई थी और वो खुद भी खाई और राजू को भी खिलाई। अब बारिश को लगे हुए काफी दिन गुजर चुके थे और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बच्चे अपने अपने घरों में रहकर तंग आ चुके थे, इसलिए वो आज बारिश में ही बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। राजू और रामू कव्वे की आपस में अच्छी दोस्ती थी। अरे यार राजू, मैं तो घर पे रह रहकर तंग आ गया था, अच्छा किया जो आज हम बाहर खेलने के लिए आ गए। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी मम्मी का वो बड़ा गैस वाला गुब्बारा कहाँ है? अरे वो गुब्बारा, वो तो वहीं बाजार में बरगद के पेड़ के पास ही है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बस यार कुछ एडवेंचर करने का मन हो रहा है, लेकिन तुम्हें तो वो गुब्बारा उड़ाना आता है ना, चलो हम दोनों उसमें आसमान की सैर करके आते हैं और बादल भैया को मिलकर कहेंगे कि बारिश बरसाना बंद कर दे, हमें खेलना होता है। और फिर बैठे बिठाए दोनों बच्चों को ये शरारत सूझने लगी। दोनों जाकर उस बड़े गुब्बारे में बैठ गए। चीनू ने गुब्बारे को रोके रखने के लिए एक रस्सी पेड़ के साथ बांध रखी थी। दोनों बच्चे उसमें बैठ गए और रामू को तो उस गुब्बारे के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए उसने वो रस्सी काट दी और वो गुब्बारा ऊपर आसमान की तरफ जाने लगा।
अभी वो थोड़े ही ऊपर गए थे कि उनको अंदाजा हो गया कि अब वो नीचे नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो रस्सी कट चुकी थी। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। उनके चीखने की आवाज उनकी माँ के कानों तक पहुँच चुकी थी। हाय हाय सत्यानाश हो इस गुब्बारे का, ये तो मेरे बच्चे को ले उड़ा। अरे चीनू, ए चीनू की बच्ची निकल घर से बाहर, वो देख तेरा गुब्बारा मेरे बेटे को लिए जा रहा है। जब चीनू ने घर से निकलकर देखा तो उसका बेटा भी उसी गुब्बारे में था। चीनू भी ये देखकर परेशान हो गई। पहले तो उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, वहाँ गुब्बारा बच्चों को उड़ाकर बहुत दूर ले जा रहा था। इसका जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि अगर मैंने जल्दी से कुछ ना किया तो ये गुब्बारा बच्चों को लेकर ऐसी जगह निकल जाएगा जहाँ से इनको वापस लाना मुश्किल होगा। अचानक से चीनू के दिमाग ने काम किया और उसने एक दूसरा गुब्बारा जो उसके घर में रखा था उसे लाकर उसमें गैस चला दी। थोड़ी ही देर में वो गुब्बारा भी फूल चुका था और चीनू उसमें बैठकर अपने बच्चों को वापस लेने के लिए जा रही थी। बड़ी कोशिशों के बाद चीनू ने बच्चों को वापस जमीन पर उतार ही लिया। शुक्र है अल्लाह का गोरी बहन, ये लो संभालो अपने बच्चों को और इन्हें समझाओ कि आइंदा ऐसी शरारत कभी ना करें। आज अगर मैं समय पर ना जाती तो ये बच्चे गुम हो चुके होते। मम्मी, इसने मुझे पता ही नहीं चलने दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि कब इसने वो रस्सी काट दी, इसीलिए हम वापस नहीं आ सके। मुझे माफ कर दे चीनू आंटी, मैं आइंदा ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगा जिससे किसी का भी नुकसान हो। शुक्रिया चीनू बहन, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं हमेशा तुम्हारे इस गुब्बारे को बुरा भला कहती रही और आज इसी की वजह से मेरे बच्चे की जान बची। और फिर वो दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घरों में चली गईं और बाकी के दिन बारिश के उन्होंने खूब एंजॉय किया। देखा प्यारे दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए किसी के काम को बुरा नहीं कहना चाहिए।